रीट पात्रता परीक्षा में 82 अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को पास माना जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने आज राजेश कुमार यादव, मुकेश व अन्य कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देशित किया है कि आरक्षित वर्ग के उन सभी अभ्यर्थियों को जिनके 82 अंक आए हैं उनके रीट पास पात्रता प्रमाण पत्र जारी करे। वही जिन अभ्यर्थियों ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा दी है, वही जो मेरिट में आ रहे हैं लेकिन उनके रीट में 82 अंक है, उन्हें भी रीट में पास मानकर मेरिट स्थान दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस बार एक जनरल आदेश जारी करे जिसके 82 अंक लाने वाले आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों को रीट पास पात्रता प्रमाण पत्र जारी हो सके। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा व राम प्रताप सेनी ने बताया कि रीट परीक्षा पास करने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 60% अंक लाने होते हैं। वहीं आरक्षित वर्ग SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर MBC EWS के अभ्यर्थियों को 55% अंक लाना अनिवार्य है, लेकिन रीट का एग्जाम 150 नंबर का होता है तो उसका 55% 80.5 अंक होते हैं। वहीं 80.5 अंक पाना कोई बर्बादन नहीं है। वहीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 80 अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को रीट पास पात्रता प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा था। वहीं उन्होंने कोर्ट को बताया कि अन्य राज्यों में 82 अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को सफल माना गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए।